नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबर हाट। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, और उसके लिए अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, आपने कहा कि यह आवाज गॉड गिफ्ट है या खुद पाई, तो भाई राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं। मैं तो बस जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझ में, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि दिल की बात दिल से दिल तक पहुँचे, और यही मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत है उसका राज है। दोस्तों, ये आवाज सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। आपको मालूम है, जब भी इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में आवाज की दुनिया के दोस्तों का जिक्र होगा तो सबसे पहला नाम अमीन सयानी का आता है। आज के जितने आरजे, वीजे, डीजे, जो मर्जी कह लीजिए, सबकी शुरुआत इस देश में इसी शख्स ने की थी। एक वक्त था इस देश में जब रेडियो मतलब अमीन सयानी और बिना का गीत मातला मतलब अमीन सयानी। अमीन सयानी को बहुत देर बाद लोगों ने शक्ल से पहचाना जब हिंदुस्तान में प्राइवेट टेलीविजन आने शुरू हुआ, अमीन सयानी के इंटरव्यू आने शुरू हुए, तब लोगों ने शक्ल से पहचाना। वरना ये ऐसे शख्स थे जिनकी आवाज को तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा एशिया पहचानता था, लेकिन शक्ल कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे। तो ये आलम था, आज ये शख्स इस दुनिया को छोड़ गया। तो हमारी तरफ से सबसे पहले आज अमीन सयानी जी को श्रद्धांजलि। अब बात राजनीतिक करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब जलजला आने वाला होता है सबसे पहले उन्हीं मकानों को खतरा होता है जिनकी नींवें कमजोर होती है, और राजनीति में भी जब जलजला आने को होता है तो सबसे पहले उन्हीं की कुर्सी डगमगाती है जो कच्ची मिट्टी पर टिकी होती है। अब ऐसा ही कुछ फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उसकी वजह से किसी को हो रहा है। और वो किसको हो रहा है ये आपको मालूम है, सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत जो पिछले 5 साल से इस देश में इतनी बड़ी नेता सिर्फ इसलिए बन गई कि उन्होंने राहुल गांधी को हराया। उनका नाम है मैडम स्मृति ईरानी। अब स्मृति ईरानी को विश्वास नहीं था शायद कि राहुल गांधी अमेठी में इस तरह की यात्रा लेकर पहुंचेंगे। चलिए, जब पता लगा कि उनकी यात्रा यहां से होकर गुजरेगी तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि राहुल गांधी जब यहां से गुजरेंगे तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, एग्रेसिव रूप देखने को मिलेगा। वो भी ठीक है। उसके बाद ये तो मैडम को कतई भरोसा नहीं था कि राहुल गांधी को इतना जनसमर्थन अमेठी में मिलेगा जितना उन्हें मिला। अमेठी, सुल्तानपुर, रायगरेली, प्रतापगढ़, हर जगह राहुल गांधी को ठीक ठाक क्या बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो फिर जिस दिन अमेठी में राहुल गांधी थे तो जाहिर सी बात है कि मैडम को भी वहां पर अपनी जो है वो पहचान दिखानी थी, अपनी हाजिरी लगानी थी, तो वो भी वहां पहुंच गई। बहाना है कि उन्होंने अपना एक घर बनाया है, लोगों से वादा किया कि मैं यहीं रहूंगी, तो उसका गृह प्रवेश होना है 22 तारीख को, तो उसके लिए वो गई है। लेकिन दरअसल यही था कि वो नापना चाह रही थी कि राहुल गांधी का क्या वजन अभी है अमेठी में, क्या अगर 2024 में राहुल गांधी अमेठी से दोबारा लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी के लिए कितनी मुश्किल आने वाली है। मैडम ने छूटते ही सार चैलेंज कर दिया राहुल गांधी को, जैसे राहुल गांधी गए, कि अगर दम है तो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाए। इस पर जयराम रमेश का बयान आने की देर थी कि मैडम के अंदर खलबली मच गई। पहले आपको मैं जयराम रमेश का वो बयान सुना देता हूं। और आज वही बात फिर राहुल गांधी जी ने दोहराया, आपका आपके साथ उनका गहरा संबंध है, प्रेम, आप सबको जानते हैं और हम आपके साथ हमेशा के लिए रहे हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। नहीं, वो तो सीईसी तय करेगा, राहुल जी तय करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, और सीईसी है, एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में। पर हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। बस जयराम रमेश का इतना कहना था कि मैडम जो है वो तिल मिला गई। अब मैडम क्या कह रही हैं आपको मालूम है,
मैडम कह रही हैं कि ये जयराम रमेश ने बहुत अच्छी घोषणा की, राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी से लड़ने के साथ ही राहुल गांधी पे राइडर भी लगा रही है चैलेंज के साथ अब मैडम स्मृति ईरानी। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूं। पुनः कहती हूं, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के, अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब जो असल कहानी है ना वो इसी राइडर में है। अब तक जो स्मृति ईरानी राहुल गांधी को खुलेआम चैलेंज करती थी कि अमेठी से लड़िए, अचानक उनकी यात्रा के बाद अब ये क्यों कहने लगी है कि अगर दम है तो अमेठी से लड़िए लेकिन बिना समाजवादी पार्टी और बिना बीएसपी के समर्थन के। ये राइडर क्यों? इसका मतलब आप जान चुकी हैं कि अगर राहुल गांधी यहां से लड़े और इन दो पार्टियों ने समर्थन दे दिया तो आपका पत्ता साफ है। लेकिन इधर से कांग्रेस ने तो आपसे नहीं कहा कि स्मृति ईरानी अगर आप में दम है तो अमेठी से लड़िए बिना आरएलडी की सपोर्ट से, बिना अपना दल की सपोर्ट से, बिना और जो जितनी भी पार्टी आपने साथ में लिए बीजेपी में उत्तर प्रदेश से, बिना उनके सपोर्ट के और बिना आरएसएस के सपोर्ट से। अगर राहुल गांधी भी ये शर्त रख दे आपके सामने और आप ये शर्त रख दो कि बिना समाजवादी और बीएसपी के लड़े, तो फिर क्या होगा? उस हालत में भी तो आपकी गेम ओवर है ना। तो दरअसल ये जो शर्त लगाना था, अपने आप को होशियार बन रही थी स्मृति ईरानी, लेकिन दरअसल ये शर्त और ये राइडर ने ना बता दिया कि दरअसल वो भी जान चुकी हैं कि अगर राहुल गांधी अमेठी से कहीं आ गए तो उनका जीतना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अमेठी के लोगों ने दरअसल अखबारों में भी देखी, यूं तो मीडिया राहुल गांधी की बात करता नहीं है पॉजिटिव बात, फिर भी एक आध अखबार ने ये छापा था कि राहुल गांधी जब अमेठी से गुजरे तो लोगों ने दबी जुबान नहीं से लेकिन ये कहना शुरू कर दिया है कि अमेठी की पहचान ही राहुल गांधी के साथ है। बेशक स्मृति ईरानी मिनिस्टर हैं, बेशक अब लास्ट में जाते जाते बहुत सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करवा रही हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन असल पहचान तो राहुल गांधी ही अमेठी से। राहुल गांधी का पूरे गांधी परिवार के साथ अमेठी का एक अलग से लगाव है। अब इस हालत में चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वरुण गांधी हो, तीनों में से कोई भी अमेठी से लड़ेगा, स्मृति ईरानी के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं इस बार। तो ये जो एक राइडर के साथ अपने दिल का दर्द बयां कर देना, ये बता रहा है कि दरअसल ये दावे, फिर मैं कह रहा हूँ रोज एक ही बात की, प्रधानमंत्री जो दावे कर रहे 370 उसके पीछे बहुत खोखली चीजें हैं। छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाना, हर किसी को जो है अपनी पार्टी में आने के लिए विवश करना, पार्टियां तोड़ना, ये सब 370 पे जिसको विश्वास हो ना, जिसकी छाती इतनी चौड़ी हो, वो नहीं करता है ये सारी चीजें, क्योंकि उसको मालूम है कि अपने आप पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है। 10 साल से जो काम किया है, उस जो हवा बनाई है, चाहे वो देश की सब तीसरे पांचवें नंबर की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे ले जाना हो, सन 2047 का प्लान हो, कुछ भी हो, ये सब दरअसल गुब्बारे की हवा जैसे निकलते जा रहे हैं। और फिर एक उम्मीद थी कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर का मुद्दा बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन वहां भी थोड़ी सी गलती मोदी जी से ये होगी कि राम मंदिर थोड़ा चुनाव से पहले उद्घाटन कर दिया, उसका शिलान्यास कर दिया, और अब धीरे 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 राम मंदिर का मुद्दा भी फेड होता जा रहा है, और राहुल गांधी उसी इलाके में जाके बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को, न्याय के मुद्दे को, पेपर लीक के मुद्दे को, इन सब को जोरों शोरों से उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं, इधर किसानों का आंदोलन सिर पर चढ़ गया है, इधर कोर्ट ने चंडीगढ़ को लेकर फजीहत कर दी, सारी चीजें एक साथ नेगेटिव हो रही है मोदी जी के लिए और सरकार के लिए। तो ऐसे में स्मृति ईरानी जी का घबराना तो बहुत जरूरी था, और
कई और ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो इस वक्त घबरा रहे हैं अंदर ही अंदर की बात यह है कि, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा है कि इस बार 70% चेहरे बदले जाएंगे, तो उसमें से बहुत सारे लोग तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हमारा भी चेहरा बदल दिया जाए, कि इसी बहाने ये तो कहने को होगा कि हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, हमें तो पार्टी ने कहा कि नहीं आपको संगठन में काम करना है, आप चुनाव मत लड़िए, इसलिए हमने नहीं लड़ा। इस तरह के एक्सक्यूज ढूंढने में भी अब बहुत सारे नेता लग गए हैं। फिलहाल तो कहानी ये है, इस छोटे से वीडियो में आज मैं इतनी ही बात करूंगा, कल फिर एक दूसरे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।